हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी पता है आपको, एयरफोर्स अग्निवीर की जो भर्ती आती है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों को सिलेबस ही बढ़िया से नहीं पता है क्या होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि बताओ सर, वाई ग्रुप में क्या क्या आएगा। हम बोलते हैं इंग्लिश और रैग आदि बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं ना कि वो मैथ का PDF हम जब दिखाते कि मैथ भी आता है, बोलते हैं मैथ क्यों दे रहे हो आप। तो हम भी शॉक्ड हो जाते हैं, भाई ये कह कर क्या रहा है ये इंसान अभी तक, ये बोल रहा है मैथ क्यों बता रहे हो, मैथ क्यों पढ़ा रहे हो। आपको पता होना चाहिए रागा के अंदर मैथ भी आता है। जब मैं रागा बोलता हूँ ना, रागा का मतलब आप क्या समझते हो मुझे नहीं पता, लेकिन रागा के अंदर ना सिर्फ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस नहीं होता है, रागा के अंदर मैथमेटिक्स भी आते हैं। पहले तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन देते थे पिछले साल से, खाली नहीं पिछले साल भी नहीं कर सकते, पिछले इनटेक से ना चेंज किया थोड़ा सा, 4 से 5 मैथ दे रहे हैं। 4 मैथ तो मिनिमम रहता ही रहता है, वो मोस्टली क्वेश्चन जीके के भर रहे हैं। पहले क्या होता था, 7 GK या फिर 7 मैथ और 8 GK। इसको 15 15 रागा में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 15 तो पूरा रीजनिंग ले जाता था, बाकी के 15 में 50 50 मैथ एंड जीके रहते थे। बट इस बार से पिछले इनटेक से क्या कर रखा है इन्होंने, मैथ की जगह पे जीके थोड़ा ज्यादा कर रखा है, लेकिन मैथ को भी डाल रही है लोग। ओके, मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ आज आपको। आप जाओगे जब सिलेबस देखने तो आप कुछ इस तरीके से जाओगे, मैं आपको साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों के बारे में बताऊंगा। आप देखो, एयरफोर्स की जो अग्निवीर की ऑफिशियल साइट है, जाओगे कैंडिडेट्स पे, जाओगे कैंडिडेट्स वाले ऑप्शन पे। ठीक है, कैंडिडेट्स पे आपने ई बुक का एक ऑप्शन देखा होगा, ई बुक पे जाओगे, ई बुक पे जाओगे, आ जा ये हट जा भाई, ई बुक पे आ गया आपने, ये आ गया। ठीक है, मतलब बार बार ऐसे करने पर ना ये आ जा रहा है, बार बार इनका खुल रहा है ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे होगा इन्फो एंड बुक, तो वो कोई मतलब है नहीं। फिर अपने को इंग्लिश बुक, मैथमेटिक्स बुक, फिजिक्स बुक एंड रागा बुक। अब यहाँ इंग्लिश बुक जो है दोनों के लिए, साइंस एंड अदर देन साइंस मतलब एक्स एंड वाई दोनों के लिए। मैथमेटिक्स बुक जो है आपका किसके लिए, एक्स ग्रुप के लिए। फिजिक्स बुक है आपका किसके लिए, वाई ग्रुप के लिए। रागा है आपका वाई ग्रुप के लिए। अब हम जानेंगे एक एक को ओपन करके। हम सबसे पहले ना रागा पे ही चलते हैं, रागा के अंदर जो आपका दुख दर्द है कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसको कैसे ओपन करना है मैं बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊं। अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली वाई ग्रुप जिसको हम अदर देन साइंस के नाम से भी जानते हैं, अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्टिल मैथ में कुछ पढ़े नहीं हो, सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, लिख के ले जाओ। सोच रहे हो कि हम बिना मैथ पढ़े सिलेक्शन ले लेंगे, आप जीके में 100% सही कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। एयरफोर्स के अंदर सही करना 100% पॉसिबल ही नहीं जीके में, तो आपको मैथ छूना ही पड़ेगा। कट ऑफ डे बाई डे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको रीजनिंग में भी आप 15 में 15 सही कर दो, हर कोई नहीं कर पाएगा, एक आध एक्सेप्शनल के बारे में हम नहीं कह सकते, उसमें भी कुछ गलतियां होंगी। मैथ आप पढ़ोगे नहीं, 4 क्वेश्चन ऐसे ही गया, जीके आप 100% करोगे नहीं, इंग्लिश तो 100% होगा नहीं। तो आपको मैथ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है, जो कि हम स्पेस वॉरियर बैच के अंदर पढ़ाते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर गलत इन्फॉर्मेशन देके बच्चों को कहते हैं रीजनिंग पढ़ लो, जीके पढ़ लो और इंग्लिश पढ़ लो, हो गया। वो मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं लेने वाला भाई, इतना लिख के ले जाओ। हमारे जितने भी एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर हैं, वो मैथ अच्छा करके गए थे, और लिमिट टाइम के अंदर अभी जो बाकी के जो कम टाइम बचे हैं उसमें अगर मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके अच्छा से पढ़ना चाहते हो, आपके लिए स्पेस वॉरियर बैच डेडिकेटेडली तैयार कर रखा है। खैर ये रिकॉर्डेड बैच है और इसकी प्राइस 600 देख के डरो मत, हम लोग अभी इसके ऊपर ऑफर चला रहे हैं। 616 प्राइस थी, बट अभी इसको कम करके 513 में करा दे रहे हैं हम लोग। तो अभी आपको ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट मिल जाती है, इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट वीडियो क्लासेस, इंग्लिश वोकैब के लिए PDF, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस के लिए PDF, रागा की जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉप 500 सीरीज का हमारे जो PDF आते हैं, वो सब चीज इस बैच के अंदर दे रहे हैं। अलग से कुछ नहीं, एक सिंगल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन हम देंगे प्रैक्टिस के लिए आपको। ठीक है, मैथ के 400 500 क्वेश्चन देंगे, रीजनिंग के 500 क्वेश्चन देंगे, कर ही नहीं पाओगे एग्जाम तक भाई, उसको एक बार करने से थोड़ी मतलब है। एक बुक को कम से कम 2 बार बनाओगे ना, तो हम जो PDF देंगे उसको 2 बार बनाओ, पढ़ने के बाद आपका एग्जाम आ जाएगा और एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। अगर आपको कुछ भी समझ में आने से लग रहा है कि ना हमको ऐप यूज करने नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लो, हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं 7279 0, ये 9 है, 7279 0477787। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कहना कि हमको पेमेंट करने नहीं आ रहा या फिर ऐप को यूज करने नहीं आ रहा, आपको बता दिया जाएगा। बट मैं आपको एक चीज की कंप्लीट संभावना देता हूँ कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कर, या फिर अदर देन साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेस वॉरियर बैच आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आप पढ़ के जाओ, यहाँ से एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। हमने पहले बहुत ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, इस बार भी देंगे, और ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात कर लेते हैं हम लोग रागा के ऊपर। सबसे पहले रागा के अंदर क्या, हम रागा का धागा खोलते हैं। देखो रागा के अंदर आपने देखा होगा ना, ये देखो लिखा है सबसे टॉप में, मैं आपको स्केच कर करके दिखाऊं। देखो ये कह रहे हैं कि रीजनिंग है, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल।
रीजनिंग के अलावा फिर क्या है भाई, ये भी तो दिखाओ। आजा भाई, कैसे यहाँ रीजनिंग के बाद देखो, ये कह रहा है हमारा मैथमेटिक्स भी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और क्या था, एलिमेंट्री, जिसके अंदर रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होंगे, एवरेज, एलसीएम, एचसीएम, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्वायर, सर्कल्स, रेक्टेंगल, सरफेस एरिया, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना, लाइक जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है, एरिया के अंदर वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर, जैसे आपको आयत, त्रिभुज, वर्ग, ये सभी चीजें पढ़नी है, बेलन, ये सभी चीजें पढ़नी होंगी। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आता है, सिंपल ट्राइगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन आता है। और इसमें देखो एक एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 100% लिख के जाओ। सिंपल ट्राइगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन देगा, ट्राइगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन देगा, सरफेस एरिया मतलब मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन देगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लो, देखो 2D 3D पढ़ना होता है ना, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन देगा, ये दो चैप्टर से एक क्वेश्चन देगा। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम एंड वर्क नाम का चैप्टर नहीं दिया, लेकिन वो चैप्टर से एक क्वेश्चन देते हैं, वो नहीं देंगे तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन देंगे, तो ये चीज लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। तो तीन सवाल तो मिनिमम यहाँ से बन गया, बाकी चौथा या पांचवा सवाल कहीं से भी रैंडम उठा के डाला जा सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि यहीं से देंगे। तो ये मिनिमम कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पे कहे गए हैं कि एटलीस्ट आपको इतना चैप्टर्स पढ़ के आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आते हो तो अपना देख लेना एग्जाम में पास होगा कि नहीं, ठीक है। जो है देखो हम लोग साफ बोल देते हैं, मैं साफ बोलता हूँ, ठीक है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो आपकी प्रॉब्लम है। रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो मैं बताता हूँ, सीरीज के क्वेश्चन होंगे। अब मैं जब सीरीज बोलता हूँ तो क्या नंबर सीरीज माइंड में आता होगा, यही तो बेवकूफी है, सीरीज में नंबर सीरीज खाली नहीं होता है, नंबर सीरीज तो आता ही है, एक नंबर एक दो क्वेश्चन आता है, इसके साथ अल्फाबेट सीरीज भी आती है, आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आता है, नंबर रैंकिंग टाइम सिक्वेंस से क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आता है, लाइक क्या था ना कि इसका संबंध उससे है तो उसका संबंध किससे होगा, एनालॉजी के अंदर भी आ जाता है, या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसे भी देते हैं ना कि चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से ऑड वन छाड़ो बैठ के, ठीक है। इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर, जैसे सर्कल बना के डाल देंगे, इसके अंदर तीन तीन डाल देंगे और बोलेंगे इसमें बताओ, या फिर आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप के सवाल पूछ लेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो खैर ये सभी चीजें हमने पेड बैचेस के अंदर पढ़ा रखी है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, वेन डायग्राम, टॉलेस्टेंगेस्ट्रेशन, मतलब फलाना इससे बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, श्याम से बड़ा है, ऐसा करके सवाल देंगे। अल्फाबेट का टेस्ट ले लेंगे, कुछ वर्ड को ना पूरा घुमा देंगे, लाइक अगर मैं बोलूँ ना एक वर्ड है टेस्ट, मैं सिंपल सा वर्ड देता हूँ टेस्ट, तो मैं इसको यू लिख दूंगा ना, ई टी टी एस, अब मैं बोलूंगा इससे कौन सा वर्ड बनेगा, ऑप्शन में रहे या फिर ऑप्शन में कुछ ऐसे करके दे देंगे, ठीक है, बोलेंगे ऐसे करके चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन से किस वर्ड से ना एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, तो वो आप घुसते रहना बैठ के, वो आपका काम है, ठीक है, पढ़े रहोगे तो कर लोगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी मैंने बोला ना, जैसे आपको इस तरीके से एनालॉजी में डाल सकते हैं, लाइक चार का रिलेशन 16 से है तो पांच का किससे होगा, ऐसे करके, खैर ये बहुत सिंपल मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो चार का स्क्वायर 16 तो पांच का स्क्वायर 25, या फिर आपके ऑप्शन में 25 रहेगा ही नहीं तो फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे चार को चार से मल्टीप्लाई कर रखा, पांच को पांच से भी, पांच को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 ऑप्शन में रहेगा, तो ये सोचते हो ना कि चार का खाली स्क्वायर है तो पांच का स्क्वायर कर दो और 25 ऑप्शन में देगा ही नहीं, तो फिर क्या, तो ये इसलिए कहा जाता है कि रीजनिंग के हो या मैथ हो, एक बार टीचर से पढ़ो तब समझ में आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं 5 नंबर के, ठीक है, जो कि ये टाइम टेकन होता है, पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड का सीक्वेंस वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सीरीज के अंदर डाल देते हैं उसको, अल्फाबेट सीरीज के अंदर। सिटिंग अरेंजमेंट दे देंगे, लाइक सर्कल बना देंगे या फिर एक डेस्क पे बैठा देंगे, कहीं पे बैठा सकते हैं, नो डाउट। तो ये तो खैर रहा रीजनिंग का चैप्टर वाइज, मैं सब पे चलूंगा, एक ग्रुप के सिलेबस पे भी चलूंगा, बर्दाश्त करो थोड़ा सा। अब जनरल अवेयरनेस में बहुत ही कम चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे क्या जनरल साइंस पूछेंगे, अब जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स भी आता है, मैथ सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है, बायो से आता है, कहीं से भी रैंडम पूछा जा सकता है, ये नहीं है कि इससे कहाँ से पूछेंगे, सिविक्स से, पॉलिटी से पूछते हैं 100%, जियोग्राफी से तो आ ही जाता है, ठीक है, ये घास का मैदान कहाँ है या फिर किस स्टेट में क्या चीज है, तो वो सभी चीजें जियोग्राफी के अंदर आ रहा होता है। करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाता है, हिस्ट्री से मेनली पूछा जाता है किस टाइप का, तो ये हिस्ट्री में ज्यादातर मैं बताऊँ आपको कहाँ से पूछते हैं, बौद्ध रिलीजन से पूछ लेते हैं, जैन रिलीजन से पूछ लेते हैं, मुगल से पूछ लेते हैं, या फिर फ्रीडम फाइटर से कुछ पूछ लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कुछ कंप्यूटर के बेसिक से क्वेश्चन डालते हैं जो कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको पढ़ा के भेजता हूँ। ओके, ये तो रहा रागा का, अब हम खोलते हैं इंग्लिश, बोलोगे एक्स ग्रुप का, तो एक्स ग्रुप में इंग्लिश भी आता है, सुन लो भाई, एक्स ग्रुप में ही आता है। देखो ये पैसेज से चार सवाल पूछेंगे, ओके,
और पैसेज के अंदर ही ये सभी चीज पूछेंगे, ये ड्रॉ इन्फरेंस, जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, तो खैर नौटंकी है, पैसेज के अंदर का मैंने बोल दिया। पैसेज में आपसे वोकैब को भी पूछ लेंगे, ठीक है। पैसेज के अंदर देखो चार क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें से किसी एक का सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेंगे पैसेज के अंदर ही, ठीक है, वो तो रहते ही रहते हैं। पैसेज था एक नंबर पे, पैसेज दो नंबर पे ग्रामर। अब ग्रामर में देखो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, ध्यान से सुनना। ग्रामर वन एंड टू, दो चीजें दे रखी गई है। अब कह रहे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, वहां से आएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड एरर इन द यूज ऑफ वर्ब एसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे एसेट्रा इन्होंने बोल दिया ना, तो अपना इन्होंने जान छुड़ा लिया। अब आपको बोल रहा पूरा ग्रामर पढ़ो, जब भी ईटीसी लिख दिया ना, तो इसका मतलब भी पूरा ग्रामर पढ़ो। अब इन्होंने कहा नहीं कि हम खाली वर्ब से ही पूछेंगे, अब इत्यादि इत्यादि तुम समझते रहो, पूरा ग्रामर हम कहीं से भी पूछ रहे हो, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने कहा कहाँ है। इन्होंने एसेट्रा का मतलब कह दिया सब कुछ। अब टेंस से रिलेटेड पूछेंगे, नो डाउट, मतलब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छा से, वर्ब आपको अच्छा से, वर्ब एंड उसका यूज अच्छा से आना चाहिए, एंड वर्ब के फॉर्म आपको याद होने चाहिए, टेंस पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। तो ये सभी चीजें कह रहे हैं। और ग्रामर टू के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, देखो भाई लगभग सब ग्रामर पढ़ना है। देखो नाउन से रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कह रहे हैं, नाउन नाउन फॉर्म, वर्ब का फॉर्म, एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म, ठीक है, ये सभी चीज पूछ लेते हैं ना। जैसे पिछली बार भी पूछा गया था कि कौन सा नाउन फॉर्म है, कौन सा एडवर्ब फॉर्म है, तो वो चीजें डिटरमाइनर से पूछते हैं, प्रीपोजिशन से तो दो तीन सवाल पूछते हैं, नाउन प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, कंजक्शन से, मॉडल से। अब बच ही क्या गया, आप बताओ बच क्या गया, वॉइस नरेशन से एक आध सवाल दे ही देते हैं, 20 में उनको एक एक करके पूछ रही है, सब पूछ लेते हैं। इसलिए ग्रामर पे अच्छा खासा कमांड करके जाओ। वोकैब में देखो मिनिमम कितने वोकैब आएंगे, देखो अगर एक सिनोनिम्स भी देंगे, एक एंटोनिम्स भी देंगे, एक वन वर्ड देंगे, एक स्पेलिंग देंगे, एक ईडियम देंगे, ठीक है, तो अब ये छोड़ दो, ये करेक्ट वर्ड मैं बोल रहा हूँ उनको भी रहन दो, इनको मैं अभी छोड़ भी देता हूँ, स्पेलिंग वाले में इसको काउंट करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड है। तो मिनिमम तो भाई पांच वोकैब यहाँ से पूछ रहे हैं, और एक वोकैब आप पैसेज का ले लो, पैसेज के अंदर तो छह वोकैब। अब 20 का देख लो कितना परसेंट हो गया, 30% तो वोकैब भर रखा भाई ने, ठीक है, तो मतलब 20 में से 6 जो हो गया ना आपके वोकैब हो गए, तो 30% तो वोकैब है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं, बिना वोकैबलरी के इंग्लिश में कुछ टिक पाओगे, सवाल ही नहीं है। अब देखो एक सवाल नरेशन के देंगे, एक सवाल वॉइस के देंगे, ओके। अब मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा कितने कितने सवाल ग्रामर के होते हैं, वोकैब के कहाँ के होते हैं, और एक सवाल पैराजम्बल के देंगे। अब ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड, तीन पार्ट में इंग्लिश को बांटते हैं। खैर उतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मैं आपको, लेकिन दे दे रहा हूँ। ग्रामर तीन पार्ट में बांटो इंग्लिश को, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर ग्रामर अच्छी है तो आप सिर्फ कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे, जो कि कुल मिला के आपका 5 से 6 सवाल वहां से बनेगा। वोकैब से मिनिमम 6 सवाल बन रहे हैं आपके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 सवाल डायरेक्टली पैसेज के पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। एक सवाल आपका कहाँ का पूछा जाएगा भाई, जंबल सेंटेंस, ये भी आपका आरसी का ही होता है। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप जंबल सेंटेंस नहीं बना पाओगे। एक सवाल ऐड करो, इट मीन्स 5। तो ग्रामर से आपको मिनिमम दिख रहा है कहाँ से, तो डायरेक्टली कॉमन एरर के 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन पूछा, तो 6 सवाल हो गए, ठीक है। अब बाकी के सवाल कहाँ से, 6 सवाल यहाँ से बने, 6 सवाल यहाँ से बने, 12 5 17 हो गया ये, तो बाकी के 3 चीज कहाँ गए, तो बाकी के 3 चीज देखो इधर रह गए, जो कि ग्रामर का हिस्सा ही है। एक तो वॉइस पूछेगा डायरेक्टली, एक नरेशन पूछेगा, और एक फॉर्म पूछेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन का फॉर्म पूछेगा, तो 3 सवाल यहाँ से बने। इसका मतलब ग्रामर अपने आप में देखो 9 नंबर का ग्रामर आता है डायरेक्टली, 6 नंबर का वोकैब आता है, तो 9 6 15, ठीक है। तो ये 15 नंबर की जो चीजें हैं आपको ग्रामर और वोकैब पे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का आता है। इसके लिए क्या करना होगा, रेगुलर बेसिस पे आप रीडिंग करो समथिंग समथिंग, और उसका अर्थ समझने का कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि हम न्यूज़पेपर द हिंदू उठाएंगे, ये बेवकूफी भरी काम है कि हम हिंदू उठा लेंगे। इसके लिए आपको रैंडम कुछ भी उठाओ, मोबाइल खोलो, सर्च मारो आज का कुछ भी, लाइक आपको क्रिकेट पसंद है, नहीं क्रिकेट नहीं पसंद है, पबजी पसंद है, तो पबजी से रिलेटेड ना ई स्पोर्ट्स करके जितने भी हैं बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ के ना इंग्लिश वाले कुछ कुछ स्टोरीज को पढ़ो कि पबजी के, या फिर पबजी में लेटेस्ट क्या होने वाला है, अपडेट आने वाला है, किसी को फ्री फायर पता है, खेलते हो कुछ अदर गेम खेलते हो, उससे रिलेटेड चीज़ों को इंग्लिश में ही पढ़ो ना, मजा आएगा पढ़ने में, चीजें समझ में आएंगी, वैसे करते करते इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग आएगा, चीजों को आप कम टाइम में पढ़ के ना उसको समझने की हैबिट बनाओगे। नई जरूरत है कि बोरिंग न्यूज पढ़ेंगे, यदि किसी को न्यूज भी बोरिंग लगता है, लेकिन हाँ एक फायदा, अगर न्यूज पढ़ोगे तो 2 फायदा होगा, एक तो कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक होगा,
सेकेंड आपका क्या ठीक होगा भाई, सेकेंड आपके कुछ तो करंट अफेयर ठीक हो जाएंगे ना, कुछ तो आपको पता होगा। मान लो किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हो तो वहां का प्रेसिडेंट उसकी कैपिटल के नाम तो लिख ही रहता है, ठीक है, ये सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब खैर उतना समझाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से दूँ, जैसे कि आपको फायदा हो। मैथमेटिक्स के अंदर क्या आएगा, देखो इस तरीके से ई बुक खुलता है, अब जस्ट यहाँ पे टच करो खुल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करने का कोई मतलब बना, कोई मतलब नहीं बना, हल्का सा भी नहीं मतलब बना, कहाँ गया भाई, छुप जाता है नीचे। खैर दिख रहा है तो देखो, नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप का तो खत्म हो गया, वाई ग्रुप वाले जाओ यहाँ पे, बस बैच को भूल के मत जाना, वाई ग्रुप वाले ध्यान से सुनना, आपके लिए बैच है, इसको फटाक से ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, पूछ लो 7279047787 पे। अब आ जाओ हम एक्स ग्रुप की तरफ चलते हैं, साइंस पे देखो, ट्राइगोनोमेट्री से अच्छा खासा 11th 12th से पूछेंगे ये लोग साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स ग्रुप कहते हैं। नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेंगे आपसे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा आपका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम रहेगा, सीक्वेंस ऑफ सीरीज रहेगा, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस रहेगा, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स रहेगा, कॉनिक सेक्शन से रहेंगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रहेगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स रहेगा, लिमिट्स रहेगा आपका, ठीक है, और आपका डिफरेंशिएशन रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन रहेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स रहेगा, ठीक है। देखो इंटीग्रल्स रहेगा चाहे आप इंडेफिनिट हो या फिर डेफिनेट हो, दोनों सवाल तो इन्होंने ब्रेक कर दिया, बाकी इंटीग्रल्स पूरा पढ़ लेना अच्छे से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, वही उसी का हिस्सा है, अलग अलग कर रखा है इन्होंने। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। देखो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, आपको लग रहा होगा ये 11th 12th का पढ़ाता नहीं फिर भी जानता कैसे, मैं हूँ तो साइंस स्ट्रीम से ही ना, मैंने खुद 11th 12th में साइंस पढ़ रखा है मैथमेटिक्स के साथ, ग्रेजुएशन में भी मैं मैथ से हूँ तो मेरे को इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ाता नहीं बिकॉज बहुत वाई ग्रुप में टाइम नहीं दे पाता। अब यहाँ से देखो मैं अगर कुछ बोलता हूँ ना, जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होगे ना, जस्ट उसी के साथ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लेना, काफ़ी हेल्प होगी। अब ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी बाद में पढ़ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाद में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो देन प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद आप अगला चैप्टर स्टैटिक्स पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर इसी सिक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे तो। खैर अब हम आ जाते हैं फिजिक्स बुक के ऊपर, ठीक है, खुल जा भाई, कहाँ जा, अच्छा नीचे चला जा रहा है ये, खुल के जुम करो। हाँ इसके अंदर भी सिलेबस है, सिलेबस में क्या है नन्हे मुन्ने राय, देखो फिजिक्स वर्ड्स एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट टॉपिक आएगा, सॉरी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, लॉ ऑफ मोशन से है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, ठीक है, मोशन सिस्टम है जो भी आपको पढ़ा होगा आपने, रिजिड बॉडी कह लो, ग्रेविटेशन से है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से है, थर्मोडाइनमिक्स है यहाँ पे, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेमेटिक थ्योरी, ये सभी चीज़ें, ऑसिलेशन एंड वेव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, ऑप्टिक्स से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट से है, ठीक है, और तो मैंने सब कुछ बता ही दिया, मैग्नेटिक करंट, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सभी चीज बहुत छोटे छोटे लिखे हुए इसमें, पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो ये आपका पूरा सिलेबस है एंड ये आपके देखो मॉडल पेपर दे रखे गए हैं, ये मॉडल पेपर दे रखे हैं। खैर रेगा का मॉडल पेपर एंड ये कहाँ नीचे जा रहा है, अच्छा रेगा का मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, बहुत जल्द। अच्छा भाई इधर गया, अच्छा देखो ये इस तरीके के नॉन वर्बल आते हैं 5 सवाल, यहाँ पे उन्होंने डेमो में दे रखा गया, और ये जो फोटो दिख रहा है आपको यहाँ पे यही मिसिंग नंबर है, ठीक है, और ये जो फोटो वाला दिख रहा है इसको वेन डायग्राम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, और ये जो प्लस माइनस का दिखा रहा है ना कि प्लस को माइनस कहते हैं, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। कुछ चैप्टर इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते लोगों को तो इसमें बता देता हूँ, और ये आपका 5 नॉन वर्बल है कुछ इस तरीके से रहेगा, और ये सारे ना ऐसे टाइप के मेरे PDF के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके चलो फिर कहानी खत्म करते हैं यहीं पे, बाकी बैचेस में तो आपको पता ही है ज्वाइन होना है, अगर किसी को एस ग्रुप की सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है वो भी आपको A to Z स्टडी आपके ऊपर मिल जाएगी, बाकी कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।